बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई खतरों से खेलने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले अगर हम जानना चाहें यू नो वो कौन सी ऐसी बात थी जो आपको यू नो इंस्पायर किया कि मुझे खतरों में जाना है? एक चीज थी जो मेरा अपना फिजिकल फिटनेस जिसको मैं सीरियसली लेता था लेकिन उतना भी नहीं ले रहा था। आई वॉन्टेड टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, उसके लिए एक मोटिवेशन चाहिए था। आई थॉट दैट दिस शो इज द राइट मोटिवेशन। तो पिछले एक महीने से मैं पूरी तरह से क्लीन हो चुका हूँ, खाना पीना एक्सरसाइज वगैरह, तो ये एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला मुझे उसके लिए। जैसा कि नाम है खतरों के खिलाड़ी, यू नो जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना जाके एक्सपीरियंस करने में नहीं है, तो अगर आपसे जानना चाहें कि आपने इसके लिए शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर किस तरह से तैयारी की है? मानसिक तौर पर आप कैसे तैयारी कर सकते हो, वो तो वहां पे जाने के बाद समझ में आएगा कौन सी चीज आपके सामने खड़ी है और उसको कैसे आप फेस करोगे, तो उसकी कोई तैयारी नहीं कर सकते। शारीरिक तौर पर हाँ, आप जितना अपनी टेनेसिटी बढ़ाओ उतना आप ज्यादा आगे तक चलोगे, ये तो है, आपका शरीर आपको ज्यादा साथ देगा। सो जैसे मैंने आपसे कहा कि वही एक मोटिवेशन था कि फिजिकली आई वॉन्टेड टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, जो करने के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था मेरा, लेकिन ऐसा कोई इशू अगर सामने आ जाए तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं अभी मुझे करना है, अभी मुझे आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट दैट आई कैन बी। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। अगर आपसे पूछे यू नो इससे पहले आपने कभी देखा है ये शो, और अगर देखा है तो उसमें ऐसा कौन सा स्टंट है जो जिससे आप डर रहे हैं या फिर आपको लगता है ये मैं बहुत आसानी से करूंगा? नहीं, आसानी से तो कोई करूंगा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन डर से ज्यादा ना मुझे वो कीड़े मकोड़ों से बड़ी घिन आती है। मैंने ज्यादा देखा नहीं है, लेकिन अभी मैं चूंकि ये कर रहा हूं तो इसलिए मैंने एक सीजन देखे पिछले वाले सीजन में नहीं थे कीड़े मकोड़े ज्यादा, तो मैं थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। आई डोंट नो व्हाट्स कमिंग माय वे दिस सीजन, पर वो एक चीज है जो मुझे थोड़ी सी नहीं, इतना कंफर्टेबल नहीं रहता मैं। जैसे कि आपने कहा कि फिजिकली तैयारी हो रही है, तो किस तरह की तैयारी में, आई मीन पानी में या किस तरह से तैयारी आप कर रहे हैं? पानी में, हवा में, जमीन पे, सब जगह पे, तीनों जगह पे चल रही है। ओके, और जो कंटेस्टेंट हैं वो भी अपने अपने में मजे हुए हैं, बड़े बड़े नाम में हैं, सब कुछ हैं, तो आपको क्या लगता है किससे कौन आपका सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटर हो सकता है? I have no idea. I'm so sorry. I think काफी physically fit contestants है इस बार। काफी सारे मैंने देखे वो body है उनकी, six packs है, तो I don't know, but वो तो वहाँ पे ही पता चलेगा कौन सबसे tough है। Because sometimes there are surprise elements ऐसे shows में। कोई जो दिखता है, मैं शायद बहुत fit दिखूँ आपको, लेकिन शायद कोई stunt मुझसे कम fit दिखने वाला इंसान ज़्यादा अच्छा कर लेगा। You never know. अगर आप जाना चाहें, आपको किसे डर लगता है? किस चीज से, मतलब किससे डर लगता है आपको? इंसान से या स्टंट से? आई मीन इस शो में डर किससे लगता है? डर तो यार मुझे इस चीज से लग रहा है कि मैं 40 दिन अपनी फैमिली से दूर कैसे रहूंगा, ये सबसे बड़ा डर है मेरा कि मैं वो सस्टेन कर पाऊं। और इस बार थोड़ा लोकेशन भी चेंज हुआ है जी, और क्या इस बार की एक्साइटमेंट है लगा? बहुत ज्यादा, मुझे रोमानिया कब से देखना था। आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल हेरिटेज कंट्रीज व्हाट आई हर्ड अबाउट, और बहुत सारे कासल्स है वहां पे, बहुत सारे लेक्स है मैंने सुना है। सो लेकिन वहां पे जाके ये पूरा डर का माहौल क्रिएट करने वाले खतरों के खिलाड़ी में, सो आई एम एक्साइटेड, बट एक नया रूप रोमानिया का देखने को मिलेगा सबको। सो अगर आपसे नहीं जाना चाहें आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इस शो के लिए क्या है, तो वो क्या? आई डोंट नो यार, शो देख लो आप। मुझे ऐसा लगता है मैं कोई भी काम शुरू करने से पहले ना ज्यादा शोर मचाना पसंद नहीं करता, तूफान के आने से पहले हमेशा शांति होती है, आप देख लो। ये बहुत बड़ी बात है आपने। अगर हम ये कहें कि आपको कोई सुपर पावर वाला हीरो, मतलब आई मीन पावर मिल जाए, सुपर पावर मिल जाए, तो आप किस सुपर पावर को चुनेंगे ताकि इस खतरों के खिलाड़ी में आपको हेल्प मिले? खतरों के खिलाड़ी में आई डोंट नो, लक ही एक सुपर पावर है, क्योंकि आप कितना भी अच्छा स्टंट करो लेकिन स्टंट में टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो कई बार सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट भी उस वक्त उस समय उसका लक खराब हो और उसका टाइमिंग चूक जाए तो उस स्टंट हार सकता है। सो आई थिंक इफ द लक फेवर्स मी, आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट सुपर पावर आई कुड हैव। फिर जब आपको फर्स्ट ये ऑफर किया गया तो फर्स्ट थॉट क्या था कि मुझे ये करना ही है? या मुझे समय भी मिला इस बार, मुझे पिछली बार भी मैं करना चाहता था, उससे पहले के साल में भी करना चाहता था, उन्होंने भी बोला था कि कर लो, लेकिन मैं बैक टू बैक शोज कर रहा था। इस बार मेरे एक दो शोज के बीच में बराबर करेक्ट मई से लेके जुलाई तक मैं कोई काम नहीं कर रहा था, सो ये करेक्ट टाइम था जब मैं इसको अपना पूरा टाइम डेडिकेट कर सकूं और बिना किसी
यू नो झिझक के मैं शो कर रहा हूँ। और भी जो कंटेस्टेंट हैं जिनसे हमने पहले बात की, उनका कुछ लोगों का अलग अलग क्लब का तरीके का डर है, लाइक यू नो अंधेरी कमरे में या डब्बे में उनको बंद करने में उस पर डर है, या कोई किसी को पानी में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। आपसे अगर हम जाना चाहें ऊंचाई से, हाँ ऊंचाई से मुझे बहुत डर लगता है, मुझे कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, मुझे सांप से डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और हर इंसान के अंदर ये सारे डर होते हैं। किसी का भी डर कोई बहुत दुनिया से अलग वाला डर नहीं है। आप इस चीज को ग्लैमराइज करने में कोई पॉइंट नहीं बनता, कर लेते हैं हम लोग क्योंकि उस शो में जा रहे हैं इसलिए, लेकिन डर सबके अंदर होता है और वही इस शो की खासियत है। आप उस हर डर पर वहां पे जाके काबू पाने की कोशिश करोगे, वो हर इंसान कर रहा है, मैं कोई अलग नहीं हूं। तो घर में सबसे पहले क्या सलाह मिली आपको, यू नो मम्मा से या फैमिली से क्या कुछ कुछ सलाह मिली कि कैसे क्या करना? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं मिला भाई। उनको भी डर होगा ना क्योंकि आप खतरों से खेलने जा रहे हैं। हाँ पर यार उतना तो ख्याल भी रखते हैं ये लोग, तो इट्स ओके। क्या कहना चाहेंगे, यू नो रोहित शेट्टी एक ऐसे वहां पर जो होस्ट हैं, यू नो आप जब नहीं करते तो डांट भी बहुत पड़ती है, और जब आप नहीं कर पाते हैं तो अच्छे से वो बैलेंस भी करते हैं, तो उस बात की एक्साइटमेंट है कि कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट है। आई थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन डायरेक्टर इन द कंट्री और ही इज द बिगेस्ट एक्शन डायरेक्टर, सो ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग स्टंट्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम हिम। सो अपने जो भी फैंस देख रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, नमस्कार, मैं कश्मीर महाजनी और अभी मैं आ रहा हूँ खतरों के खिलाड़ी में। सो आई जस्ट वॉन्ट योर ब्लेसिंग्स और शो देखिए, सपोर्ट कीजिए एंड आई डू माई बेस्ट टू एंटरटेन यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।